खेल जो दिलों को जोड़ती है, लोगों को मिलाती है, जो सरहदों के लड़ाई से परे है। यही खेल ही है जो सारे विश्व को जोड़ रखा है। इसमें ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना भेदभाव है। सारे विश्व में अमन, चैन, सुकून, शांति यही एक शब्द पे कायम है। पर आज कोरोना की वजह से दुनिया ठप पड़ गया है। ये प्रतीक अर्णव, उम्र 10 साल, और ये उनके बड़े भाई प्रीतिश आर्यन, उम्र 14 साल। दोनों स्केटिंग और रोल बॉल के नेशनल खिलाड़ी हैं और अपने राज्य उड़ीसा के लिए प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से दोनों सोच पे पड़ गए हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की जुनून और जोश बरकरार है। छोटी सी उम्र में ये दोनों ने उनके पापा पार्थ सारथी जेना के साथ मिलके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे अपना अपना नाम लिखा चुके हैं। ओडिशा रोलर स्केटिंग एसोसिएशन पक्षरु 13 जन स्केटिंग खिलाड़ी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड रे स्थान पाइछंती। लेकिन कोरोना वायरस की डर सारे विश्व को अब चपेटे में ले लिया है। पर अभी भुवनेश्वर ग्रीन जोन होने की वजह से प्रैक्टिस जारी रखे हैं ये तीनों। स्टेडियम बंद हो जाने के कारण शहर के रास्ते में प्रैक्टिस करते हैं तीनों। रास्ते पे उनकी नजर पड़ता है छक पे लगे डिस्प्ले पर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी कोरोना के बारे में बोलते हुए, ये बात सुनते हुए एक दूसरे से दोनों ने आपस में समझौता कर लेते हैं, घर वापिस आ जाते हैं। घर में आके पापा को पूछते हैं, पापा ये कब ठीक होगा? पापा समझा देते हैं। फिर से उम्मीद हौसला रखते हुए अपने घर के नजदीक एयरपोर्ट की एरिया पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तीनों बाप बेटे। वहीं छत पे बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जी की स्टैचू से कुछ सीख लेते हैं। उनको याद करके उनकी धैर्य ताकत याद करते हैं और अपनी अपनी मन पे साहस भर लेते हैं। वीर पुरुष बीजू बाबू कहते थे, हमेशा आगे की सोचो, धैर्य ना छोड़ो, नियम कानून को मानकर डटकर हर हर मुश्किल की मुकाबला करो। तीनों अपना स्केटिंग की यादगार पल को याद करते हुए खुश होते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आगे सब ठीक होगा और फिर से दुनिया पे कोरोना से भी छुटकारा मिलेगा, दुनिया फिर से मुस्कुराएगा। धैर्य है तो जीत है, उम्मीद है तो ताकत मिलता है। दुनिया फिर से खेलेगा और खिलाएगा, भारत हंसेगा और हंसाएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लाइफ।